आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि इस वीडियो में कि अगस्त में कुछ बजट स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जो अगस्त लास्ट तक लॉन्च हो सकते हैं या अभी लॉन्च भी हो चुके होंगे, तो जो आपके बजट से रिलेटेड पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्मार्टफोन्स है रेडमी का 9A। इसमें कैमरा है 30 मेगापिक्सल्स का, फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल्स का, LED फ्लैश और USB टाइप सी यूज़ किया गया है। बैटरी बैकअप 5000 mAh का है इसमें और रैम 2GB और 16GB स्टोरेज दी है इसमें, एक्सटर्नल स्टोरेज। इसका जो कंफर्म प्राइस नहीं बता सकता, पर एक ये इतना हो सकता है 6390 रुपये। आप देख सकते हैं कि इसका बैक जो है वो Y2 से मिलता हुआ है, रेडमी के Y2 से। और सेकंड स्मार्टफोन्स कुछ ये है, इसका नाम है रेडमी का 9C और इसका प्रोसेसर है ऑक्टाकोर। इसमें 2.3 GHz का प्रोसेसर यूज़ किया गया है और कैमरा है 13+5+2 का और ट्रिपल प्राइमरी कैमरा है। बैटरी बैकअप 5000 mAh की है इसमें और टाइप सी पोर्ट यूज़ किया गया है। और इसकी रैम है 2GB, 16GB एक्सटर्नल है इसकी। और इसका कुछ कंफर्म प्राइस नहीं बता सकता, पर इतना हो सकता है इसका 7499 रुपये, कुछ इस तरह दिखता हुआ स्मार्टफोन है। अगला स्मार्टफोन है कोई रेडमी का 9। इसमें कैमरा है 13+8+5+2। इसमें टाइप सी यूज़ किया गया है। बैटरी बैकअप है 5020 mAh का। रैम दी है इसमें 3GB और एक्सटर्नल स्टोरेज 32GB का है, जो आपको बहुत अच्छा स्पेस दे सकता है। इसका कंफर्म प्राइस तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इतना होना चाहिए इसका प्राइसेस 11790 रुपये। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का स्मार्टफोन है जो दिखता हुआ है, इस तरह आएगा ये मार्केट में और अच्छा है, लेटेस्ट प्राइसेस में आपको मिल जाएगा कम पैसे पे अच्छी चीज़। अगला है स्मार्टफोन्स जो अगस्त में 5G स्मार्टफोन भी कुछ लॉन्च होने वाले हैं। तो पहला है रियलमी का X50। कैमरा दिया 64+8+12+2 MP का। इसका बैटरी बैकअप है 4200 mAh का, अच्छा लॉन्ग लाइफ बैटरी बैकअप है। इसमें टाइप सी पोर्ट यूज़ किया गया है। इसकी रैम दी है 4GB और स्टोरेज है इसकी 128GB की स्टोरेज, अच्छा खासा इसमें स्टोरेज दिया गया है। इसका कुछ प्राइसेस मैं बता रहा हूँ कि 25790 रुपये पड़ेगा, जो आपके बजट से रिलेटेड भी होगा। कुछ लोग लेना भी चाहते हैं, तो आपको लग रहा हो किस तरह दिखता है, कुछ ये इस तरह स्मार्टफोन दिखता हुआ है कि आप देख सकते हैं। आगे ही फ्रंट कैमरा कितना अच्छा इसमें दिया गया है। अगला स्मार्टफोन्स है सैमसंग गैलेक्सी A51 5G। रैम है इसकी 6GB, सैमसंग गैलेक्सी 9 Octa प्रोसेसर है इसमें, सैमसंग का जो खुद के प्रोसेसर हैं वो यूज़ करता है। कैमरा इसका है 48+12+5+5 MP का। क्वाड प्राइमरी कैमरे बहुत अच्छे होते हैं। LED फ्लैश है इसमें बैक पे और फ्रंट कैमरा इसका 32 MP का है, बहुत अच्छा है कि आप अच्छी से अच्छी सेल्फी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका बैटरी बैकअप है 4500 mAh का, अच्छा लॉन्ग लाइफ बैटरी बैकअप है कुछ इस। और इसका इसमें भी टाइप सी पोर्ट यूज़ किया गया है। इसका कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस या कन्फर्म नहीं बता सकता कि इतने ही पड़ेगा, बट इतना होना चाहिए इसके आसपास, 37999 रुपये का है। तो कुछ इस तरह दिखता है ये पहला इसका फ़ोटो जो आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ कमेंट दिस वीडियो।